नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में सूरदास जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सूरदास जी का पद कुछ इस प्रकार से है। राम भक्त वत्सल निज बानो, जाति गोत कुल नाम गनत नहीं, रंक होड़ कै रानो। शिव ब्रह्मा दिक कौन जात प्रभु, ही अजान नहीं जानो। हमता जहां तहां प्रचुनाही, सो हमता क्यों मानो। प्रकट खम्भ ते दिए दिखाई, यद्यपि कुल को दानो। रघुकुल राघो कृष्ण सदाही, गोकुल कीन हो थानो। बरन न जाय भक्त की महिमा, बारंबार बखानो। ध्रुव राजपूत विदुर दासी शुत, कौन कौन अरगानो। जुग जुग विरद यह चलियाई, भक्ति निहाथ बिकानो। राजसूय में चरण पखारे, श्याम लिए कर पानो। रसना एक अनेक श्याम गुण, कहाँ लगी करो बखानो। सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद पुरानो। तो ये रहा पद। अब सबसे पहले हम इसके संदर्भ को समझेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नाम महिमा शीर्षक से लिया गया है, जो सूर सागर ग्रंथ में संकलित है। इनके रचयिता भक्ति काल की कृष्णाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अब हम समझेंगे इसके प्रसंग को। इस पद में सूरदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखता है, चाहे भक्त धनवान हो या निर्धन, सभी के प्रति वह समान रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखता है। और अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। तो यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ थीं, हर एक पंक्ति की व्याख्या हम अलग अलग समझेंगे। पहली पंक्ति है, राम भक्त वत्सल निज बानो। अपने भक्त पर कृपा करना और भक्त से प्रेम करना, स्नेह करना, यह तो हमारे प्रभु राम का स्वभाव ही है। राम से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से है, ठीक है। फिर अगली पंक्ति है, जाति गोत कुल नाम गनत नहीं, रंक होड़ कै रानो। और भगवान अपने भक्तों की जाति गोत्र कुल व नाम की गणना नहीं करते, अर्थात ईश्वर अपने भक्तों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे भक्त धनवान हो, चाहे राजा हो, भगवान सभी के ऊपर समान रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। फिर अगली पंक्ति है, शिव ब्रह्मादिक कौन जात प्रभु, ही अजान नहीं जानो। और कवि आगे लिखते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी आदि की कौन सी जाति है, मैं अज्ञानी होने के कारण इसे नहीं जानता हूँ। अगली पंक्ति है, हमता जहाँ तहाँ प्रचुनाही, सो हमता क्यों मानो। अर्थात जहाँ पर हमता है यानी अहंकार है, वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं होता है। जहाँ पर अहंकार की भावना होती है, वहाँ पर ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण ऐसे अहंकार को हम क्यों माने, हम अहंकारी क्यों बने। फिर अगली पंक्ति है, प्रकट खम्भ ते दिए दिखाई, यद्यपि कुल को दानो। भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए ईश्वर खम्भे से प्रकट हो गए थे। यद्यपि प्रहलाद तो दानो कुल का था, लेकिन उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी, भक्ति भावना थी। इसीलिए जैसे ही उसने ईश्वर को पुकारा, ईश्वर का स्मरण किया, वह तुरंत ही प्रकट हो गए और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर अगली पंक्ति है, रघुकुल राघो कृष्ण सदाही, गोकुल कीन हो थानो। भगवान ने रघुवंश में राम के रूप में अवतार लिया,
या राम के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण के रूप में सदा ही उन्होंने गोकुल को अपना निवास स्थान बनाया। फिर अगली पंक्ति है, बरन न जाई भक्त की महिमा बारंबार बखानो। भक्ति की महिमा तो अवर्णनीय है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, किंतु मैं फिर भी बार बार उसका वर्णन किए जा रहा हूँ। अगली पंक्ति है, ध्रुव राजपूत विदुर दासी सुत कौन कौन अरगानो। सूरदास जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ध्रुव राजपूत अर्थात राजा के पुत्र थे, विदुर दासी सुत अर्थात दासी के पुत्र थे। अब मैं किस किस का बखान करूं? अर्थात भक्त चाहे राजा हो, धनवान हो या निर्धन हो, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। फिर अगली पंक्ति है, जुग जुग विरद यह चली आई भक्ति निहाथ बिकानो। युगों युगों से भगवान का यश या उनकी प्रसिद्धि इसी कारण से हो रही है कि वह भक्तों के हाथ बिकते रहे हैं, अर्थात वे अपने भक्तों की भक्ति भावना में वसीभूत होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगली पंक्ति है, राजसूय में चरण पखारे श्याम लिए कर पानो। और उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए कवि क्या कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में पानी लेकर अतिथियों के पैर धोए थे, अर्थात भगवान ने अपनी महत्ता का विचार ना करते हुए जो भी वहां पर राजा या जो भी अतिथिगण आए उन सब का उन्होंने आदर सत्कार किया और सबके चरण पखारे। फिर अगली पंक्ति है, रसना एक अनेक श्याम गुण कहाँ लगी करो बखानो। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी जीभ या मेरा मुख तो एक ही है और श्री कृष्ण के गुण तो अनेक हैं, मैं उन गुणों का किस प्रकार से बखान करूं? अर्थात मेरे मुंह में केवल एक ही जीवा है, एक ही जीव है और भगवान श्याम के गुण तो अनंत हैं, मैं उनका बखान कहाँ तक करूं? फिर अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु की महिमा अति साखी वेद पुरानो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की महिमा अनंत है, अपार है, असीम है और वेद पुराण भी इसके साक्षी हैं, यानी गवाह हैं। वेद पुराणों में भी ईश्वर की महिमा को महत्व प्रदान किया गया है। और इसी के साथ ये व्याख्या समाप्त होती है। अब हम समझते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य को। तो भाषा यहाँ पर साहित्यिक व्रज है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है और रस यहाँ पर भक्ति है, गुण प्रसाद है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास, प्रश्न अलंकार और वीप्सा अलंकार है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।